अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, सबा इस्लामिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, कुरान मजीद। कुरान के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, कुरान किस तरीके से नाजिल हुआ और कितने साल में नाजिल हुआ, ये सब चीज़ें हम कुरान के बारे में यहाँ पर जानेंगे। और इसके ज़रिए से हम उर्दू पढ़ना भी सीख रहे हैं कि उर्दू को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये वीडियो इसी लिए है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो से आप बहुत कुछ जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सवाल हमारे रसूल पर, कुरान मजीद किस तरह नाजिल हुआ? तो इसका आंसर है, अल्लाह के एक ख़ास फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर हमारे रसूल को कुरान की आयतें या सूरत सुना देते थे और आप उसे सुनकर याद कर लेते थे, फिर किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे, क्योंकि आप उम्मी थे, यानी आपने दुनिया में किसी आदमी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, मगर अल्लाह ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म दिया था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बताते थे हमारे नबी को और वो याद कर लेते थे, फिर उस चीज़ को लिखवा देते थे। दूसरा सवाल है, पूरा कुरान मजीद कितने दिनों में नाजिल हुआ? जवाब है, इसका पूरा कुरान मजीद ये 3 है और ये 2 है, यानी कि 23 साल, बरसों, बरसों का मतलब हो गया साल, तो 23 बरसों में नाजिल हुआ। ये अल्लाह ताला की किताब है जो ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी करके हमारे रसूल पर नाजिल हुई। कभी एक आयत नाजिल हुई थी, कभी 4-5 आयतें नाजिल हुई थी और कभी पूरी सूरत। तो इस तरीके से हमारा कुरान शरीफ जो है वो धीरे धीरे नाजिल हुआ। दूसरा सवाल है यहाँ पर, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? तो इसका जवाब है, क्या आपको मालूम है तो कमेंट करके हमें बताइए। चलिए पढ़ते हैं। पूरे कुरान मजीद में ये 4 है, ये 1 है, ये भी 1 है, यानी कि 114 सूरतें हैं। पढ़ने वालों की आसानी के लिए उसे रुकू और पारों में बांटा गया है। पूरे कुरान के 30 पारे यानी कि हिस्से किए गए हैं। तो कुरान शरीफ में 30 पारे आपको मालूम होगा, 114 सूरते हैं, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। फिर नीचे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, हमने इसको पढ़ लिया कुरान मजीद के बारे में, तो यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं और देखते हैं कि हम इनका जवाब दे पाते हैं या नहीं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो सारे जवाब आसानी से दे सकते हैं। हमारे रसूल को कुरान की आयत या सूरत कौन सुनाता था? तो हमने पढ़ा है जिब्रील अलैहिस्सलाम अगर सुनाते थे। कुरान किसकी किताब है? तो कुरान अल्लाह पाक की किताब है। कुरान किस पर नाजिल हुआ? हमारे नबी पर। कुरान में कुल कितने पारे हैं? इसका जवाब आप दीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे मालूम हो सके कि हाँ आपको उर्दू पढ़ना है और यहाँ पर आप उर्दू सीख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।